हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, रात में मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और यहाँ पे देखिए हाथों में लग रही है मेरे मेहंदी, और तीज की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और फ्रेंड देखिए, एक हाथों में मेरी मेहंदी लग गई है, और ये रात का टाइम है तो रात में मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो सब कुछ हो गया है, खाना पीना सिर्फ रोटी बनानी है। और जैसे मेरे हाथ की मेहंदी छूटेगी, हल्का सा सूख जाएगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, सबको खिलाऊँगी, फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में, जिस दिन तीज रहेगी। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें आप सभी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और ये देखिए सुबह की पूजा हो गई। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए हाथों में मेहंदी लग गई है, दोनों हाथों में मेरी मेहंदी लग गई, सुबह की पूजा पाठ हो गई। तो चलो चाय बनाने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए बन रही है मेरी चाय, देखिए यहाँ पे रख दी दूध, और चलिए अब चाय बनाने पतिदेव के लिए, सासू माँ के लिए। बन गई है चाय। पतिदेव के लिए कप चाय। चाय मेरी बेटी का चना है। गंदी बात हो गई, उठी चलो चोटी बना दे, अच्छी सी अच्छी अच्छी वाली चोटी बना दे तेरे वास्ते फलक से मैं चांद ला। काम नहीं सही है, ले लो। तो फ्रेंड मैंने सबको चाय बना के दे दिया, मुझे तो पीना नहीं क्योंकि मेरा तीज का है व्रत आज। तो आप सभी को हमारी तरफ से तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो और आप लोग की हमेशा जोड़ी बनी रहे। तो चलिए ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग गई है, आप लोग देख सकते हैं दोनों हाथों की मेरी मेहंदी लग गई है। और यहाँ पे पतिदेव लाए हैं छूने के लिए फल, जो शाम को हम लोग छूते हैं ना, हमारे यहाँ तीन प्रकार का फल छुआ जाता है, और छूने वाला सामान लेके आए हैं। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड हमारे यहाँ तीज में तीन बार नहाते हैं, और तो फ्रेंड हमारे यहाँ तीज में तीन बार नहाते हैं और तीन बार ही ब्रश करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो परंपरा रीति रिवाज होती है वही करते हैं। तो बिटिया रानी यहाँ पे आ गई, छूना नहीं बेटा झूठा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फल आया हुआ है चढ़ाने के लिए, तीन प्रकार का फल। तो अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ, और छूने के लिए क्या क्या पतिदेव सामान लेके आए हैं तीज में, वो भी आप सभी को दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो अभी बिटिया रानी नहाई नहीं है, और अभी इनको नहलाना है। जब मैं सेकंड बार नहाने जाऊंगी ना, तब फिर मैं इनको नहलाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह मैंने एक बार नहा लिया है, पूजा पाठ सब हो गया है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, और खाना मैं बनाऊंगी सिर्फ आज तहरी बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाऊंगी। बिटिया रानी को बहुत ज़्यादा मेरे पसंद है तहरी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। गुड। और तो चलिए फटाफट आपको आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान आया छूने के लिए। एप्पल्स बेटा पन्नी निकालो नीचे से, पन्नी उठाओ उठाओ, उसको निकालो पन्नी।
पन्नी से हटाओ, हाँ उठा लो। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि खीरा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है तीज में, और खीरा। और इसके बाद यहाँ पे केला छू दूंगी, और यहाँ से एक सेब चाहे अनार छू दूंगी। तो ये तीन फल, लेकिन हमारे यहाँ दो फल कोई भी छो, लेकिन खीरा, ये देखिए खीरा शुभ माना जाता है। तो पति देव यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर दो खीरा लेके आए हैं। तो ये मेरा फल आ गया है, तो चलिए अभी मैं छूने वाला सामान आप सभी को दिखाती हूँ। उसे मैं सामान रखूँगी, ठीक है, छूना नहीं बेटा। और इसमें आया छूने वाला सामान, पतिदेव लेके आए हैं। कल शाम को मैंने फ़ोन किया, ड्यूटी से आ रहे थे, कि सामान ले आइएगा छूने वाला। तो अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ, देखिए और बेटा एक ही सामान रखो थाली में आप। अच्छी अच्छी कंघी, और ये देखिए शीशा छूने वाला, और ये देखिए पाउडर कैसा लगा, ये देखिए लिपस्टिक, ये देखिए मेहंदी, ये देखिए किसका है, बैंड है वो, किसका है, छूने के लिए पापा जी लाए हैं, ये बैंड है दोस्तों, रखते हैं। और ये बिंदी सिंदूर दोस्तों, ये इयररिंग्स चूड़ी, ये इयररिंग्स है ना चूड़ी, देखिए आप दोस्तों, और ये देखिए नेल पॉलिश, पिताजी सुनो मत, ये देखिए नेल पॉलिश, ये देखिए काफी बहुत अच्छा है ना, ये देखिए चूड़ी, देखिए सारा सामान हो गया इसमें। तो एक सेब, केला, खीरा। तो फ्रेंड ये है मेरा छूने वाला सामान, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब तैयारी हो गई है, तो फिर मिलूँगी मैं आप सभी को दोपहर में फिर से नहाने धोने के बाद। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।